अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है, कुछ ब्रांचेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो नंबर 4 पे जो ब्रांच हमारे पास आएगी वो है बायोकेमिस्ट्री। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायो का आपको पता है लाइफ होती है, और केमिस्ट्री में डिफरेंट रिएक्शंस वगैरह आ जाते हैं, स्ट्रक्चर कंपोजिशन आ जाती है। तो इसकी डिफाइन जो है वो यूँ बनेगी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच वी स्टडी। क्या हम स्टडी करते हैं? कंपोजिशन स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर कंपोजिशन स्ट्रक्चर। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये जैसे वाटर है तो उसका वी शेप स्ट्रक्चर होता है, तो उसका एक ख़ास एंगल होता है कि हाइड्रोजन जो हैं वो किस तरह प्लेस किए जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ किस तरह बॉन्ड बनाते हैं, और कंपोजिशन के वो किस चीज़ से बना है मिलकर। जैसे अब वाटर है तो वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शन का भी आपको पता है कि जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है और हमारे अंदर रेस्पिरेशन होती है, तो ये बायोकेमिस्ट्री में ही मेटाबॉलिज्म्स हैं डिस्कस करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच वी स्टडी स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी स्टडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर है, कोई कंपोजिशन है, इंसान ज़रूरी नहीं इंसान, कोई भी लिविंग प्लांट्स के अंदर, अदर बैक्टीरिया वगैरह के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है स्कोप है इसका, कि स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, स्कोप मीन इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इट कवर्स ऑल केमिकल रिएक्शंस, प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी होते हैं, कौन से प्रोसेसेस या रिएक्शन होते हैं, सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक कैटाबॉलिज्म होता है और दूसरा एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म ऐसे समझ लें कट जाना, कि बड़ी चीज़ छोटे में जो तब्दील हो जाए उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और एना छोटी से बड़ी, जो छोटी चीज़ें मिलती हैं और बड़ी चीज़ बनाती है उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और इसमें सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म किसके हम स्टडी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स इसमें सारे आते हैं, और फैट्स, लिपिड्स ईटीसी, ये इसमें हम क्या है स्टडी करते हैं, इसका ये स्कोप है, ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये जो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और बोर्ड के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लीकेशंस में जो हम स्टडी करते हैं, तो फील्ड ऑफ मेडिसन, उस बायोकेमिस्ट्री ज़्यादातर मेडिसन में यूज़ करते हैं, मेडिसन के फील्ड्स में यूज़ हो रही है। उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन है, मतलब हम अगर एक खुराक है उसको कुछ अरसे के लिए हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, सिक्योर करना, कि ताकि वो ख़राब ना हो, बैक्टीरिया, फंजाई, फंगस उस पर क्या है अटैक ना करें, तो फूड साइंस में ये इसका रोल ये प्ले कर रहा है। उसके बाद साथ ये एग्रीकल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, कि फूड साइंस में फूड ग्रोथ होगी, कि किस तरह हम क्या है ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी क्या करते हैं हम, इसकी पैदावार डिफरेंट, मतलब कि ये वक्त के साथ साथ वैरायटी चेंज करने का मतलब ये होता है कि उस टाइम का जो माहौल होता है उसमें वो सर्वाइव कर पाते हैं और हमें ज़्यादा पैदावार जो है वो मिलती है वहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 पे है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डिफाइन है सबसे पहले, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द मैनुफैक्चरिंग, मैनुफैक्चरिंग मीन तैयार करना, क्या मैनुफैक्चरिंग करते हैं हम इसमें, केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स लाइक हम अगर ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, बहुत सारे हैं कंपाउंड जो हम क्या है कमर्शियल स्केल पे, ठीक है कमर्शियल स्केल के जब हम इनको क्या करते हैं, इसको मैनुफैक्चर करते हैं, तो ये हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। उसकी एप्लीकेशन है मैनुफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वही हम तैयार करते हैं इसमें, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो ये बहुत सारी कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ हम क्या करते हैं मैनुफैक्चर करते हैं इंडस्ट्री में। नंबर सिक्स पे जो हमारे पास ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ, इसकी जो डिफाइन है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद, किसके साथ, इसका रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले समझें, रेडियो, रेडियो मतलब होता है एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो खुद ब खुद शुआएं खारिज करते हैं। आई थिंक 88 से जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो सारे मोस्टली रेडियो एक्टिव हैं, यूरेनियम लाइक यूरेनियम वगैरह। और इसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेस का भी स्ट्रक्चर करते हैं, किस तरह हम न्यूट्रॉन खारिज करते हैं, जैसे एक एटम में प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होते हैं वो प्रोसेस करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम क्या है डिस्कस करते हैं। इसी के साथ साथ इसकी एप्लीकेशन है मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी हम कैंसर के मरीजों के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो एप्लीकेशन है वो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है, कि खुराक को किस तरह हम सेव करते हैं एक दुरानिए के लिए, एक अरसे के लिए। और उसके बाद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, तो ये इनके भी क्या एनर्जी वगैरह हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री से हासिल करते हैं। नंबर सेवन हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एंड दूसरा जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वो इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट, कि वो बना कैसे है और इंसान का उस पर क्या इफेक्ट है, ये हम स्टडी करते हैं किस में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे, कि हमारे क्या इस पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट नंबर एट पे हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है और आजकल बहुत स्कोप चल रहा है इसका। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, कि हमें कोई भी सैंपल दिया जाता है इसमें होता ये है उसको, जैसे हमें दिया NaCl एक नमक सा ऐसे पाउडर सा दिया, कहा कि ये क्या चीज़ है, तो इसमें हम ये सारा क्या करते हैं, ये ग्राफ आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, NMR है और क्या है UV है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी टाइप्स हैं आगे मज़ीद जो हम क्या करते हैं इसमें डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ इसकी दो आगे मज़ीद ब्रांचेज हैं, ठीक है, जिसमें और टाइप्स हैं क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव। अब क्वालिटेटिव आपको पता है कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कि क्वालिटी कितनी अच्छी है, कपड़ा है, कोई चीज़ है, जूता है, शूज़ है, तो मतलब बेस्ट क्वालिटी, क्वालिटी पे फोकस करते हैं क्वालिटी। और दूसरा है क्वांटिटी, मिकदार क्या है, जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी ये शॉप्स होल्डर हैं तो ये दोनों चीज़ें देखते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा कहाँ आ रही है और क्वालिटी कौन सी बेस्ट है। क्वेश्चन अबाउट लेक्चर, जो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं,
डिफाइन बायोकेमिस्ट्री आज इट्स स्कोप, ये बोर्ड के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री और उसका स्कोप, एक्सरसाइज में भी है पहला क्वेश्चन आई थिंक। तो डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इनमें डिफरेंस थर्ड क्वेश्चन का आ सकता है बोर्ड में। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसका भी डिफाइन आती है। फिर लास्ट पे एनालिटिकल केमिस्ट्री है एंड उसकी डिफरेंट टाइप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये भी हमारे पास क्या है पूछ सकते हैं पेपर में। तो इसी तरह अल्लाह हाफिज़।